अभी इसका राइडिंग करके राइडिंग व्यू और अपना टॉप स्पीड कितना है कैसे दिखा दो। बाइक मैकेनिक स्पेशलाइज्ड रॉयल एनफील्ड आ जाइए। आज रॉयल एनफील्ड का एक नया मॉडल जे सीरीज इंजन के बारे में बताता हूँ। ये देख लीजिए, यही गाड़ी है, देख लीजिए गाड़ी पूरा पहले पूरा राउंड घुमा के देख लीजिए, बराबर बहुत सारे चेंजेस है ये गाड़ी में, बहुत सारा नॉर्मल पहले का क्लासिक मॉडल से लेके नए गाड़ी में बहुत सारे चेंजेस दिया है रॉयल एनफील्ड, पूरा आपका इंजन तक देख लीजिए। अभी आ जाइए अपना रॉयल एनफील्ड जे सीरीज कैसे देखते हैं, आ जाइए अभी आगे साइड से। ये गाड़ी में बहुत सारे चेंजेस, इसके लिए सब कुछ बताएगा, प्लीज बोर मत हो जाइए, अगर बोर होएगा तो भी अपना वीडियो कंटिन्यू कर दीजिए, ठीक है। चलो आ जाइए अभी पहले अपना आगे से हेडलाइट के साइड से देख लीजिए, तो हैलोजन बल्ब का पहले का सेम हेडलाइट बल्ब आ जाते हैं, लेकिन डूम का और अंदर का डिजाइन में थोड़ा फर्क है, डूम का ये सेट में ही फर्क आ जाता है, ओके। और नीचे आप देखा सस्पेंशन आ जाते हैं, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। मड़गाड़ का साइड में देखोगे तो पहले से थोड़ा चेंजेस आ गया है, मड़गाड़ में देख लीजिए ये साइड में थोड़ा ब्रैकेट में सब फर्क है, और शायद से मड़गाड़ का ये डायमीटर में थोड़ा बड़ा आ गया है इसका। और आगे का ब्रेक के बारे में बताए तो ड्यूअल पिस्टन का डिस्क ब्रेक दिया गया है सिंगल चैनल ABS के साथ में, और 18 इंच का मैगवील रॉयल एनफील्ड में मैगवील आ गया है, 18 इंच का मैगवील ये गाड़ी में देख दी है, और 190/19 mm का टायर भी सीएट का टायर भी कंपनी के साथ में मिल जाएगा, ओके। देख लीजिए अपना पार्किंग, इधर एक चीज बोलने पड़ गया सॉरी, देख लीजिए पार्किंग लाइट, पार्किंग लाइट भी देख लीजिए एकदम प्यारा, एक भी चला के भी देख लीजिए एकदम प्यारा टाइप का पार्किंग लाइट भी दे दिया है, और इंडिकेटर्स पहले का डिजाइन में थोड़ा फर्क है, इंडिकेटर में थोड़ा छोटा दे दिया है, और लाइट सब इंडिकेटर भी अपना हैलोजन बल्ब का इंडिकेटर है। अभी आ जाइए अपना ऊपर क्लस्टर देख दे, कुछ चेंजेस दिख रहे क्या? फुल्ली चेंजेस है, सेमी डिजिटल अपना स्पीडोमीटर दे दिया है, अभी इग्निशन चालू करके दिखाता हूँ, ये देख लीजिए इधर स्पीड बताएगा, इसमें अपना न्यूट्रल लाइट, बैटरी डाउन है कि नहीं, चार्जिंग हो रही है उसका सिंबल, ABS का सिंबल, और इंजन चेकलेट ये मीटर में आ जाते हैं, और नीचे आ जाइए छोटा वाला डिस्प्ले में फ्यूल बताते हैं, इको मोड बताते हैं, और टोटल अपना किलोमीटर्स और ट्रिप ए बी टाइम ओडोमीटर ट्रिप 1 ट्रिप 2, लेकिन ये मीटर का स्विच दिया है अपना इधर, ये स्विच के बारे में बताएगा तो मैं बता दूंगा, ये आइकन बटन है, आइकन बटन के थ्रू अपना स्पीडोमीटर का फंक्शन आ जाता है। और देख लीजिए इधर पहले देखो, पहले मॉडल में 4 अपना इग्निशन ऐसे बंद करने के बाद में इधर लॉक नहीं होता था, लॉक करने के लिए अपने को नीचे साइड में घुमाना पड़ता था, अभी देख ले सब ऑन ऑफ और फोर्क लॉक भी इधर दे दिया है। इधर का पहले का स्पेस में खाली एक रॉयल एनफील्ड का एक एम्बलम दे चुका है अपने कंपनी ने, और अभी आ जाइए हैंडल बार में देख लेता हूँ, अभी हैंडल बार के ग्रिप कंपनी पहले से वो टाइप का ग्रिप नहीं है, थोड़ा अलग स्मूथ और सॉफ्ट वाला ग्रिप दे दिया है, साइड वाला हैंडल बैलेंसर भी देख लीजिए थोड़ा प्यारा ये बना दिया है, और आ जाइए अपना लीवर,
लिवर के साइड में भी पहले से थोड़ा मोटा और पकड़ने में थोड़ा अलग फील आ जाता है, केबल के साइड में भी फील अलग आ जाता है, और हैंडल बार भी थोड़ा लॉन्ग हाइटेड का हैंडल बार दे दिया है, और ए साइड में भी देख लीजिए लीवर थोड़ा अलग, अपना मास्टर सिलेंडर भी देखो इसका डिजाइन एकदम ओवल शेप का डिजाइन दे दिया है, और इसका स्विचेस देख लीजिए बहुत अलग, पहले कैसे सब एक ही टाइप का था ये गाड़ी में देख लीजिए। अभी हेडलाइट तो सबको मालूम है, गाड़ी चालू होएगा तो तुरंत हेडलाइट हो जाते, लेकिन इसमें देख अपर डिपर ये सॉरी ये अपर है ये डिपर है, और पास लाइटिंग के लिए इधर प्रेस करने का, और बाकी इंडिकेटर हॉर्न सबको मालूम है ऐसे है देख, और लेफ्ट साइड में इधर किल बटन दिया है, किल बटन ऑफ है, किल बटन चालू और सेल्फ चालू करने के लिए सेल्फ का बटन, ये तीनों फंक्शन एक बटन में दे दिया, और इधर अपना पार्किंग लाइट का स्विच भी बटन भी रॉयल एनफील्ड ने दे दिया है, और टैंक के साइड में आएगा तो टैंक आ गया 13 लीटर का टैंक, 13 लीटर का टैंक है। अभी अपना कैमरा तो बंद हो गया है, अभी हम लोग का फोन में रिकॉर्डिंग चालू है। इसका टैंक कैपेसिटी के बारे में बता रहा था, इसका टैंक कैपेसिटी आ जाता है 13 लीटर, और रिजर्व में 2.5 लीटर का रिजर्व में मिल जाता है 2.5 लीटर, लेकिन गाड़ी रिजर्व होएगा ना तुरंत मार दीजिए सर लोग पेट्रोल, क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन गाड़ी में रिजर्व कभी भी आएगा तो तुरंत पेट्रोल मारना, नहीं तो तुम्हारा फ्यूल सिस्टम खराब होने के लिए चांसेस बहुत ज़्यादा है। और इसका भी टैंक ऊपर का भी बताएगा तो इधर देखो टैंक पैड दे दिया, इधर रॉयल एनफील्ड का एक बैडजिंग आ गया, बैडजिंग भी बहुत एक कलर को बहुत मैचिंग हो जाते हैं, और उसके अलावा अपना टैंक भी देख लीजिए, टैंक का ढक्कन बहुत अलग टाइप का डिजाइन, ये इसके ये गाड़ी में एक ही चीज इसके लिए बता रहा हूँ, पहले का मॉडल के मॉडल से बहुत अच्छा है ये मॉडल इसके लिए। ओके इंजन के साइड में 349 cc का इंजन आ जाता है, 20 bhp का पावर आ जाता है, वो भी 6100 rpm है। उसका आगे अपने को मेन चीज है अपना गाड़ी का टॉर्क, ये गाड़ी में टॉर्क आ जाता है 27 Nm का टॉर्क एट 4000 rpm में। ये गाड़ी का इतना ये गाड़ी का ये 350 cc बोलते हैं, इंजन का एवरेज आ जाता है 30 से लेके 35 का एवरेज ये गाड़ी में कन्फर्म मिल जाता है, क्योंकि ये गाड़ी का मेन खासियत बात इंजन का साइड में एक खासियत बात ये भी है, इंजन पहले देखो पहले तुम क्लासिक देखा रहेगा इलेक्ट्रा देखा रहेगा, वो सब इंजन में यूसी इंजन में सब पुश रोड इंजन आ जाता है, ओवरलैप टैपेट का पुश रोड इंजन आ जाता है, लेकिन ये गाड़ी का इंजन में टाइम इंजन इंजन है, अपने नॉर्मल गाड़ी में कैसे इंजन रहते हैं उस टाइप का इंजन आ जाता है, लेकिन अपना टाइम इंजन रहते देख लीजिए इधर टाइम इंजन टेस्टर सब रहता है इंजन के ऊपर, ऐसा एक एयर कूल्ड इंजन अपने गाड़ी में मिल जाते हैं। ये साइड का देख लीजिए, ये साइड में भी रॉयल एनफील्ड का एक लोगो रहता है, और गियर 5 स्पीड का गियर बॉक्स है, 5 नीचे बाकी सब गियर ऊपर, और ये साइड का फोल्डेबल रॉयल एनफील्ड का बैजिंग के साथ में फोल्डेबल स्प्रिंग टाइप का फुटरेस्ट आगे साइड में, और साइड स्टैंड भी अपना लास्ट वाला क्लासिक का टाइप का साइड स्टैंड है, इधर एक साइड स्टैंड का सेंसर भी लग जाता है, और चेन गाड़ी में चेन ड्रिवन है, और पीछे का भी फुटरेस्ट फोल्डेबल, और ए साइड में थोड़ा डिजाइन में फर्क दे दिया है क्लासिक 350 इधर भी एक बैजिंग आ गया, और पीछे का शॉक अब्सर्वर आ जाते हैं सस्पेंशन में, वो भी एडजस्टेबल शॉक अब्सर्वर आ जाते हैं, प्लस इसका इधर एक कंपनी फिट गार्ड दे दिया, सेफ्टी गार्ड दे दिया छोटा वाला, एक चेन का गार्ड भी दे दिया है, और सीट के बारे में आएगा तो सीट देख लीजिए, सीट का कुशन बहुत मस्त है, बहुत सॉफ्ट है, पहले गाड़ी का कुशन से बहुत सॉफ्ट वाला कुशन आ जाएगा, इसके नीचे भी सीट का एक स्प्रिंग है, और पीछे का भी सीट पहले का सीट लगभग थोड़ा छोटा लग रहा था, ये थोड़ा ब्रॉड वाला सीट दिया है कंपनी ने, और पीछे का रश सीट रश भी बहुत मस्त दिया है, और गाड़ी का देख लीजिए गाड़ी लुक में रॉयल एनफील्ड पूरा काम करके रॉयल एनफील्ड पूरा चेंजेस किया है, और आ जाइए इसके पीछे साइड में, अभी देख लीजिए पीछे साइड में रॉयल एनफील्ड का विंटेज मॉडल से लेकर सब कष्ट पब्लिक को ये रहता था, टेल लाइट थोड़ा एंटीक पीस चाहिए, देख लीजिए राउंड में दे दिया है टेल लाइट, उसके साथ में नंबर प्लेट बिठाने के लिए ब्रैकेट भी है,
इंडिकेटर देखे तो आगे के सेम इंडिकेटर का ऐसे कॉम्बिनेटेड इंडिकेटर दे दिया है पीछे साइड में, और मड गार्ड में भी डिजाइन में थोड़ा फर्क है। और ए साइड में आगे तो देखो सिंगल पिस्टन का डिस्क ब्रेक है पीछे, और 18 इंच का मैगविल दे दिया है, और इसका एक्चुअली साइलेंसर थोड़ा मॉडिफाइड साइलेंसर दे दिया है। इधर ABS का वायर है, इधर सेंसर भी लग जाते हैं। ये भी ओ साइड का सेम फोल्डेबल फुट रेस्ट, उधर भी स्प्रिंग टाइप, और इधर छोटा एक ब्रेक ऑयल का टैंक भी दे दिया। और ये सब गाड़ी को स्टॉक है। अपना ब्रेक पैडल ने दो, ब्रेक पैडल का रबर होने दो, ये सब स्टॉक में आया। इधर देखो ये साइड का भी डिजाइन अपने पहले से थोड़ा फर्क है, ऑयल फिल्टर इधर बैठ जाते हैं, बाकी इंजन ऑयल का ग्लास लेवलिंग ग्लास सब नीचे आ गया है। ओके, और साइलेंसर के बारे में बताए तो साइलेंसर देख लीजिए इस टाइप का तरीका से साइलेंसर का एक अपना बैंड पाइप मिल जाता है, लेकिन इधर से लेके इधर तक अपना स्टॉक साइलेंसर नहीं है, एक्स्ट्रा फिटिंग है वो। और पहले गाड़ी में अपना कतले कन्वर्टर आ जाता था ये जगह पे, लेकिन उधर से चेंज करके थोड़ा छोटा करके ये गाड़ी में आ गया इधर नीचे। वो बहुत अच्छा किया कंपनी ने, कंपनी इतना स्टडी करके पब्लिक को जो चाहिए उस बारे में सब स्टडी करके दिखा रहे, वो बहुत अच्छा है। कंपनी आगे तरक्की कर रहे, इसका एक बहुत दिखा रहे कंपनी क्या है, क्या क्या बना सकते हैं, पहले का गाड़ी क्या था, अभी का गाड़ी क्या है, अभी आगे जाके भी क्या बनाएगा। अभी देख लीजिए अपना 450cc का अपना हिमालयन गाड़ी भी कंपनी निकाल चुका है। प्लीज सब लोग एक बार जाके एक बार राइड करके देख लीजिए क्या बनाया कंपनी ने करके एक बार, वो भी कोई अगर एक्सपेरिमेंट किया रहेगा तो प्लीज बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। ओके, और गाड़ी के बारे में अभी ज्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है, कल इसका हॉर्न एक बार सुनाता हूँ, हॉर्न में भी ज्यादा फर्क नहीं है इसका हिमालयन सब, और मॉडल में भी सेम तरीके से हॉर्न आ जाते हैं। और अभी बताता हूँ साइलेंसर, ये एक्स्ट्रा फिटिंग साइलेंसर है, इसका आवाज कैसे बताता हूँ। ऐसे एक्सोस्ट का साउंड भी बता सुना दिया। अभी देख लीजिए अगर साउंड का अगर किसी को अगर अच्छा लगा तो प्लीज अपना कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर किसी को एक्सोस्ट चाहिए, गाड़ी का कुछ भी पार्ट जेन्युइन पार्ट चाहिए, अगर नहीं एक्सेसरीज चाहिए तो भी अपने यश मोटर्स कामोटा में मिल जाते हैं, ऊपर नंबर मेंशन किया हूं। अगर किसी को अगर चाहिए रहेगा तो प्लीज कॉन्टेक्ट कर दीजिए, और सर्विसिंग विद जेन्युइन पार्ट्स के साथ में वो भी अभी अवेलेबिलिटी रहते हैं यश मोटर्स में, ठीक है। और गाड़ी का मेंटेनेंस के बारे में किया तो एक नॉर्मल सर्विसिंग जाते हैं 2000 रुपीज का आसपास बोल रहा हूँ, कंफर्म नहीं है। अगर तुम नॉर्मल सर्विस में क्या किया जाएगा, इसका टोटल इंजन ऑयल चेंज, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, आगे पीछे ब्रेक, डिस्क पैड का साथ में बोल रहा हूँ, सर्विसिंग चार्ज के साथ में बोल रहा हूँ, 2000 रुपीज ज्यादा से ज्यादा गया तो आ जाते हैं। और गाड़ी में ज्यादा करके इसे कंप्लेन का कुछ है, खाली चेन पहले से थोड़ा पतला कर दिया, उसका थोड़ा तकलीफ में रहता है, बाकी सब नॉर्मल है, ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट भी नहीं लगते हैं। और पब्लिक आजकल का लड़का लोग हो रहे दो, यंगस्ट होने दो, और एजेंट लोग हो रहे दो, किसी को भी यूज करने के लिए मजा आएगा गाड़ी। एक बार किसी को अगर लेने के लिए तो एक बार जाके टेस्ट ड्राइव करके देख लीजिए, गाड़ी एक नंबर है भाई लोग। गाड़ी चलाने का टाइम में गाड़ी का हैंडल होने दो, सीटिंग पोजीशन होने दो, अपना पैर रखने फुटरेस का पोजीशन होने दो, सब एक नंबर बेस्ट है। और पहले का मॉडल से बेटर सीट का कुशन दे दिया है, राइडिंग का कंफर्ट दे दिया है, बस ये टैंक का पैड में टैंक थोड़ा पैर थोड़ा लग जाते हैं, वो सबको नहीं लगेगा, मैं थोड़ा मेरा बॉडी टाइप का पब्लिक को खाली लगेगा, बाकी तो गाड़ी नंबर है। गाड़ी में बोलने वाला एक चीज़ यही है, पहले वाला गाड़ी से ये गाड़ी जे सीरीज इंजन वाला ये गाड़ी वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है, बोल सकते बिल्कुल नहीं है। बस गाड़ी एकदम टॉप स्पीड में 110 तक मैं चलाया हूँ, उसके आगे जाने के लिए डर लग जाता है।
क्योंकि गाड़ी पूरा वबल होने का ऐसा फील हो जाता है, इसके लिए इसका आगे नहीं दिखाया हूँ। ओके, बाकी गाड़ी के साइड में देखो तो कुछ तकलीफ नहीं है, गाड़ी एक नंबर है। अभी बता के खत्म हो चुका है अपना जे सीरियस रीबोर्न, जे सीरियस इंजन भी बोलते हैं इसको, रीबोर्न क्लासिक। इसका एक्चुअली शोरूम में जाकर तो जे सीरियस नहीं बताते, रीबोर्न क्लासिक बताते इसका नाम। ऐसा रीबोर्न क्लासिक का पूरा वीडियो बता चुका है, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अपना चैनल पहले कोई देख रहे तो, अगर किसी का अगर यूजफुल होएगा ऐसा लग रहा तो शेयर कर दीजिए। चलो वाइड अप, बाय।